मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्रिकेटर सौरभ गांगुली को आईसीसी के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की अनुमति देने की अपील की है। माय हम्बल रिगार्ड्स टू द प्राइम मिनिस्टर, प्लीज टेक केयर दैट सौरभ मस्ट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट द आईसीसी इलेक्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे सौरभ गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने की अनुमति दिलाने में मदद करें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की ये अपील ऐसे समय में आई है जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली की बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से विदाई तय मानी जा रही है। उनकी जगह पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिन्नी लेंगे। अभी चुनाव तो बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि बिन्नी 18 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर ये पद ग्रहण करेंगे। ममता बनर्जी ने अपने बयान में सौरभ गांगुली की जमकर तारीफ की और मोदी सरकार पर निशाना भी साधा। ममता ने कहा कि सौरभ एक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ये फैसला राजनीतिक तौर पर ना लिया जाए। सौरभ गांगुली किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। सो वी विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट डोंट टेक इट पॉलिटिकली और विंडिक्टिवली, टेक ए डिसीजन। He is not a political party member. Take decision for the cricket. Take decision for the sports. बता दें कि सौरभ गांगुली 2019 में बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल इसी साल अक्टूबर में खत्म हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सौरभ गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहते थे। बताया जा रहा है कि उन्हें आईपीएल चेयरमैन का पद ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। अब सौरभ गांगुली एक बार फिर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी वापसी का इरादा बना चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें आईसीसी का चुनाव लड़ने की अनुमति देने की अपील कर रही हैं, उससे ये सवाल उठता है कि क्या सौरभ गांगुली भी आईसीसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है या नहीं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।